ओलंपिक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वही बड़ी खबर ये है कि पहाड़ी क्षत्रिय और मियां राजपूत वंश से संबंध रखने वाले लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो वही ये बहुत ही बड़ी बात है और सेमीफाइनल में जगह बनाकर अब उन्होंने अपने लिए एक मेडल भी पक्का कर दिया है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, फिर क्वार्टर फाइनल में, अब सेमीफाइनल में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 के खिलाड़ी को हराया, चाइनीज खिलाड़ियों को हराया और हम अब कह सकते हैं कि एक ना एक मेडल क्षत्रियों का हो ही गया है। वो कैसे? क्योंकि लक्ष्य सेन अगर सेमीफाइनल में जीत जाते हैं तो वो गोल्ड भी जीत सकते हैं और या फिर सिल्वर, ठीक है, अगर सेमीफाइनल जीत गए। अगर वे सेमीफाइनल हार भी जाते हैं फिर भी उनके पास एक और मौका होगा। सेमीफाइनल में खेलने वाले जो 4 खिलाड़ी हैं उन दोनों में से 2 तो आगे जाएंगे, 2 पीछे रहेंगे। जो पीछे रह जाएंगे उन दोनों में मुकाबला होगा और जो जीतेगा उसको ब्रोंज मेडल मिलेगा। मतलब 2 में से एक गेम भी लक्ष्य सेन जीत जाते हैं तो मेडल तो पक्का है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भाई सिर्फ गोल्ड मेडल तक जाए और पूरे क्षत्रिय कुंभे का नाम रोशन करे। तो भाई जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि लक्ष्य सेन एक पहाड़ी क्षत्रिय है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेन सिर्फ राजपूत होते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ रियासत में सेन क्षत्रियों की रियासत रही है किश्तवाड़, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की मंडी सुकेत रियासत भी इसी सेन वंश के क्षत्रियों की है। हिमाचल प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे क्षत्रिय कुलभूषण, उनकी पत्नी भी सेन क्षत्रिय हैं और इनके जो पिताश्री हैं जे इसी मंडी रियासत से संबंध रखते थे, जो कि कुछ सालों पहले जो जहाँ से हिजरत करके वो चले गए थे उत्तराखंड में, और इनकी जो मदर है वो भी एक गढ़वाली राजपूत है, पवार राजपूत है। जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल पर, उत्तराखंड के गढ़वाल पर पवार क्षत्रियों ने राज किया है, तो इनकी माता जो है वो पवार राजपूत है और जो इनका वंश है वो सेन राजपूत है, जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं और वे सभी क्षत्रिय हैं। इनकी आप क्षत्रियों में ही शादी होती है और कुछ गंगू लोग जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं तो उनमें बहुत सारी जातियां हैं जो सेन टाइटल का इस्तेमाल करती हैं, जैसे हमारे कायस्थ भाई हैं, जैसे हमारे नाई भाई हैं और बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनका जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उसके साथ लगने वाले उत्तराखंड के सेन क्षत्रियों से बिल्कुल भी संबंध नहीं है और जहाँ पर उनकी जाति को कोई जानता भी नहीं। हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।